बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडीज विद फौजिया। आई होप आप सब ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज बहुत सिंपल बच्चों के लंच के लिए एग रोल की रेसिपी जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जड़ पर तैयार होने वाली है। तो आप इसको बना के रात को रख लें, सुबह इनको आप ग्रिल करके बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दें। यकीन मानें कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा इनको इंजॉय करेंगे और जो है इनके फ्रेंड्स जो है वो भी पूछेंगे कि ये आपने रेसिपी किस तरह बनाई है। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले जो है हम इसमें शामिल करते हैं, ये मेरे पास दो बॉयल एग हैं, उनको मैंने चॉप कर लिया है। ये शिमला मिर्च है, एक जो है तकरीबन दरमियाने साइज की, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। ये एक गाजर ली थी मैंने बिल्कुल छोटी सी और इसको मैंने चॉप करके बॉयल किया हुआ है, ये बॉयल है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलरफुल कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसको देख के वैसे ही बच्चों का बहुत दिल करेगा इनको कि हम झटपट खा लें। ये एक प्याज है छोटे साइज की, इसको भी मैंने चॉप किया हुआ है। इनको मिक्स कर लेते हैं। ये जी मेरे पास थोड़ा सा जो है सब्ज़ धनिया है, इसको भी मैंने दो भी काट लिया है, ये भी बहुत अच्छा सा कलर बीच में देगा। अब मेरे पास ये दो टेबलस्पून केचप है, टमाटो केचप, अब हम इसको इसमें शामिल करते हैं। इसमें वन टेबलस्पून जो है काली मिर्च शामिल कर रही हूँ, हाफ टी स्पून तकरीबन ये मेरे पास चिली फ्लेक्स है, ये थोड़ी सी बिल्कुल हम शामिल करते हैं। वन टी स्पून गर्म मसाला मिक्स पिसा हुआ, वन टेबल स्पून हम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये ऑरिगेनो है, ये भी हम थोड़ा सा इसमें शामिल कर रहे हैं, इससे बहुत अच्छी इंडोर्स में खुशबू आएगी। अब हम इनको मिक्स करते हैं। दो ब्रेड के स्लाइस हैं, इनको हम छोटा छोटा करके वो भी हम इसमें मिक्स करते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे पीस करेंगे तो आपकी जल्दी इजीली जो है इसमें मिक्स हो जाएंगे। हमने इसे छोटे छोटे पीस कर लिए ब्रेड के, अब हम हाथ की मदद से इसको इस तरीके के साथ हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी हमारा बहुत अच्छे से मिक्सचर रेडी हो गया है एग रोल्स का। अब हम इसके इस तरह छोटे छोटे रोल्स बना के इसको रखेंगे हम इस तरीके के साथ। इसको इस तरीके के साथ हम प्रेस करके इस लंबाई में इस तरीके के साथ हम रोल बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा आप ये मिक्सचर लेते जाएंगे और इस तरीके के साथ इसको प्रेस कर करके हम ये जैसे सीख कबाब की शेप होती है इस तरीके के साथ हम बना के एकदम रख लेते हैं। जितना ये देखे जी जितना मिक्सचर था हमने इसको कबाब की शेप में रोल कर लिए हैं। अब हम ले रहे हैं एक अंडा, इसको हम तोड़ते हैं। इसमें हम चुटकी सा जो है नमक इसमें शामिल करते हैं और हम इसको अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। अब हमने स्लाइस लिया है और इसके जो हमने ये ब्राउन वाला पार्ट है ये रिमूव कर देना है।
इस तरीके के साथ। और इसको अच्छे से हमने प्रेस कर दो बेकर की मदद से। अब जी हमने ब्रश की मदद से एक कॉर्नर में इसको अच्छे से, ये जो है अंडा जो हमने फेंटा हुआ था इसको हम लगा देंगे। अब हम अपना लेंगे ये कबाब वाला मिक्सचर, इसको हम स्लाइस के जो है साइज उसके हिसाब से हम थोड़ा सा और फैला लेंगे और इसको इस तरीके के साथ हम टर्न करते जाएंगे। ये जी फ्लेम हमने कर दिया है बिल्कुल स्लोली ऑन और पैन को मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं कितना मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है, इतना कि जो है ये हमारा जो है ब्रेड ये इसके साथ चिपके ना। अब हम इसको इस तरीके के साथ जो है पैन में रखते हैं। आप चाहे तो इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह बिल्कुल जो है ना पैन को ग्रीस करके आप इस तरीके के साथ भी जो है बच्चों को बना के ये एग रोल दे सकते हैं। चले जी अब हम ऊपर वाली साइड पे इस तरह ब्रश की मदद से जो है एग लगा रहे हैं, इसकी साइड पे हम इसको चेंज कर देंगे। अब इसकी हम आहिस्ता से जो है ना इसकी साइड हम चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाह ये देखिए एक साइड से कितना अच्छा सा कलर जो है वो चेंज हो रहा है। ये जी हमारे जो है एग रोल रेडी हो गए हैं, देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक है। अब हम इसको काट के आपको दिखाते हैं, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेस्ट है इसका और बहुत जो है मज़े के ये बने हैं। आप ये केचप के साथ या ज़्यादा इसका टेस्ट जो है केचप के साथ ही आता है, केचप के साथ बना के बच्चों को दें और देखें इनके लंच में कितना बच्चे शौक से ये लंच खाएंगे। आई होप आज की जो है रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जिंदगी सेहत रही तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।